वेलकम बैक गाइज टू द अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है, हम चार रॉयल रंबल करने वाले थे जिनमें से चार विनर आते तो हम उनका फैटल फोर वे मैच कराते। तो ये उस सीरीज का फोर्थ रॉयल रंबल है जिसमें हम मैच स्टार्ट करेंगे और हमें फोर्थ सुपरस्टार मिलेगा फैटल फोर वे मैच का। तो मैच स्टार्ट करते हैं। चेंज हो रहे हैं, डिसीजन हमारे सारे प्लेयर आ चुके हैं, मतलब कुछ प्लेयर्स थे उनको हमने चेंज किया है, जैसे जो रिटर्न्स बार बार आ रहे थे। डिसीजन ओके प्ले। तो जब तक मैच शुरू हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर न्यू वीडियोस, ऐसी वीडियोस डेली आती रहेंगी। तो मैच की स्टार्टिंग करते हैं। स्टीवन ह्यूस्टन एंट्री स्किप करते हैं। सेकेंड सुपरस्टार हमारे कौन होते हैं, रोमन रेंस तो नहीं, नहीं कर्ट एंगल ने स्टार्ट किया है। स्टीवन ह्यूस्टन और कर्ट एंगल ने पहला मैच, मतलब ये फोर्थ मैच की स्टार्टिंग करी है। इस मैच में ट्रिपल एच भी है, क्या इस मैच में भी ट्रिपल एच ऐसी गद्दी पे बैठ पाएंगे? अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्योंकि यार उसके बहुत सारे स्पॉयलर्स दूंगा मैं। और यहाँ पे पहला स्टनर ऑलरेडी पड़ चुका था कर्ट एंगल को, दूसरा भी पड़ चुका है, थर्ड हमारे सुपरस्टार आ गए ट्रिपल एच। अभी ट्रिपल एच की ही बात होती है और ट्रिपल एच आ भी चुके हैं। बहुत गंदा डैमेज पड़ रहा है, क्या एक पेडिग्री पड़ेगी? स्टीवन ह्यूस्टन को पेडिग्री पड़ चुकी है और अंडरटेकर भी मैच में आ चुके हैं। अंडरटेकर को आते ही कर्ट एंगल ऐसे करोगे तो तुम्हें भारी पड़ सकता है। वैसे ये रॉयल रंबल है, कोई भी किसी को बाहर कर सकते। रोमन रेंस भी आ चुके हैं मैच में, सारे अच्छे अच्छे सुपरस्टार अगर अभी आ जाएंगे तो एंड में जो 25 प्लेयर्स हैं उसके जो मतलब 5 या 10 सुपरस्टार होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक पावर बॉम आता हुआ, स्टीवन ह्यूस्टन को 2 या 3 स्मैक्स पड़ गए हैं, बट उनको कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा है। और कर्ट एंगल यहाँ रोमन रेंस से फाइट करते हुए, पहला एलिमिनेशन हो चुका है स्टीवन ह्यूस्टन का। ट्रिपल एच का भी एलिमिनेशन होता बट बच गए। ट्रिपल एच ने जो स्टाइल का कर दिया है बाहर यार, और यहाँ कर्ट एंगल भी बाहर है। यहाँ पे रोमन रेंस घोड़ा क्यों बने हुए थे? और इस अंडरटेकर भी बाहर जाएंगे क्या? नहीं, एक नेक ब्रेकर पड़ता हुआ रोमन को नहीं अंडरटेकर को। हैरी केन भी आ गए हैं, हैरिकेन ने आते ही अंडरटेकर को लॉक लगाया, बट इससे वो ज़्यादा कुछ होगा नहीं यार, बाहर कर दो जल्दी। एक और सुपरस्टार बिग ई आ चुके हैं मैच में, या कॉफी किंगस्टन को भी लेना चाहिए था, कॉफी किंगस्टन को नहीं लिया मैंने। एक चोक स्लैम अंडरटेकर को, यार ये हैरिकेन्स का ना मूव थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब ये हैवी वेट बंदों को उठाते हैं। बिगी को अभी अगर उनके ट्रिपल एच पे स्मैक होती तो इन्हें स्मैक पड़ती। आ गई स्मैक, एक पेडिग्री पड़ चुकी है बिगी को, ना खास किसी को डैमेज नहीं। हैरिकेन बाहर, गोल्ड डस्ट भी बाहर हो सकते थे बट रह गए। रोमन रेंस को कॉर्नर थ्रो, रोमन रेंस बाहर जा सकते हैं, गोल्ड डस्ट अभी रोमन रेंस को बाहर कर देते हैं बट वो बच गए। बिगी को एक चोक स्लैम, पढ़ते हुए ट्रिपल एच के बाहर होंगे, नहीं बच गए। रैंडी ऑर्टन भी मैच में आ चुके हैं, रैंडी ऑर्टन एक आध आर के ओ देके जरूर जाना। ये बीच में रोमन रेंस ने रोका, रोमन सब पे मतलब अब कॉर्नर आर के ओ आती है। ट्रिपल एच ने फिर रिवर्स किया, ये दूसरी या तीसरी बार बचे हैं समाज जो भी मैच में आ चुके हैं। बिगी की अभी फिनिशर आ रही थी, वो दे सकते थे। एक और ट्रिपल एच ने अपना लॉक लगाया था, नॉर्मल मूव था वैसे तो ये। ये क्या कर रहे हैं रैंडी और ट्रिपल एच पे कॉर्नर, कॉर्नर फिनिशर यार सब पे है, जो सब कॉर्नर पे कोई भी रहेगा तो उसको तो फिनिशर होगी। ट्रिपल एच इस बार भी बच गए। बिगी अंडरटेकर बाहर हो गए हैं, रैंडी ऑर्टन ने बाहर कर दिए हैं। बिग ई टॉप रोप पर चढ़े थे बट किसी के ऊपर नहीं गिरे, वो अकेले गिरे। रोमन रेंस को थ्रो किया रैंडी ऑर्टन ने बट बच गए। इस बार बाहर हो सकते हैं क्या? नहीं, बिग ई ने पकड़ लिया उन्हें, रोमन रेंस सभी बाहर हो जाते हैं। समोजो को यार ये सब मिल के पीट रहे हैं, बहुत गलत बात है।
एक और सुपरस्टार आ चुके हैं और यहाँ ट्रिपल एच भी बाहर हो गए हैं, सेमेश आ गए हैं मैच। समय जो को मार मार के इन्होंने बॉडी येल्लो कर दी और बाहर भी फेंक दिया। सेमेश अभी आए थे, उनको अभी अभी एलिमिनेशन देखना पड़ सकता है। रोमन रेंस को बाहर कर सकते थे बट बचे। रोमन रेंस को कॉर्नर थ्रो, एक स्पेयर टैग, अरे सुपर किक थी ये, बाहर कर दिया भाई साहब। बुकर टी आ गए, बुकर टी को आते ही मारना शुरू कर दिया सेमेश ने, बहुत गलत। रैंडी ऑर्टन की भी बॉडी येलो हो चुकी है जिसकी मतलब डैमेज एक आर के ऊपर पड़ गया बिगी को। जिमी उसो आ गए। बुकर टी अपनी फिनिशर देते बट नहीं, यहाँ सुपर किक पड़ गया जिमी की सेमेश को। ये बुकर टी ने आर क्या दिया था क्या, लग तो रहा था। जिमी क्या बदला लेंगे रैंडी ऑर्टन से ही। JBL ने भी भाई बहुत कांड किए थे, इन्होंने मेरे फेवरेट जॉन मॉक्सली को बाहर किया था, बहुत गलत किया था। अब यहाँ रैंडी ऑर्टन को ये अपने फिनिशर्स दे रहे हैं, बहुत गलत भाई यार। एक और पावर बॉम्ब JBL, फिर पकड़ लिया रैंडी ऑर्टन को। आ गए हैं जॉन मॉक्सली यार, बट ये वाले जॉन मॉक्सली मुझे मतलब जो WWE में थे वो मुझे अच्छे लगते थे क्योंकि थोड़ा क्रेजी करेक्ट। यार JBL ने रैंडी ऑर्टन को कर दिया बाहर, जिमी को भी बाहर कर दिया है। JBL अपने फोर्थ प्लेयर हो सकते हैं यार, फिर जॉन मॉक्सली को बाहर ना करते हैं। कोई भी यार इस JBL को बाहर करो मिलकर, पहले तो ऐसा काम नहीं चलेगा इसमें। दो बिग शो आ गए हैं मैच, ओ आते ही आ जॉन मॉक्सली को ऐसे पत्ते की तरह उठा कर फेंक दिया। हाँ बिगी से ठीक है, बिगी से लड़ो, वो थोड़े लगते भी हैं हैवी वेट टाइप के। मैट हार्डी 12 सुपर स्टार्स और रह गए हैं, पर अभी कोई इतना खास कोई डैमेज नहीं। अरे जॉन मॉक्सली से लड़ूंगा यार, एंड में मारेंगे सबको, एंड में फेंकेंगे। बिगी फिनिशर नहीं, लॉक लगा रहे हैं, वैसे इससे कुछ होगा नहीं खास। क्रिस जेरिको यार, आपको याद होगा क्रिस जेरिको की जब जैकेट फाड़ दी थी डीन एम्ब्रोज ने, वो भी क्या सीन था भाई। फिनिशर पे फिनिशर, ये कुछ आरके जैसा था मैट हार्डी का। डीन एम्ब्रोज बाहर हो गए हैं, बिगी ने बाहर कर दिया। JBL को भी बाहर करना बनता है, JBL भी बाहर, मैट हार्डी भी बाहर होंगे क्या, बच गए मैट हार्डी। अब चार सुपरस्टार बचे हैं बस, बिग शो, क्रिस जेरिको का मूव अच्छा था, मैट हार्डी, बॉबी लेस्ली भी आ चुके हैं मैच में, बच गए बॉबी लेस्ली तो यहाँ बिग शो ने पकड़ा था। मैट हार्डी, अभी एक और सुपरस्टार आने वाले हैं, देखते हैं अभी कौन से सुपरस्टार आएंगे। जेफ हार्डी, क्या जेफ हार्डी और मैट हार्डी का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, बट यहाँ बिगी पिटाई लगा रहे हैं मैट हार्डी की गंदी वाली। और चोक स्लैम नहीं है, कुछ पावर बम टाइप का सा है, क्रॉस रोड नहीं है, नेक ब्रेकर है। बॉबी लेस्ली भाग के क्रिस जेरिको पास और क्रिस जेरिको को बाहर कर ही दिया था बट बच गए। बाहर कर दिया बिगी को, यहाँ मैट हार्डी बाहर, मैट नहीं जेफ हार्डी बाहर हुए हैं, और यहाँ मैट हार्डी को भी बाहर करेंगे क्या बिग शो। बिग शो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं बट इनका हेड येलो हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि इनके चांसेस हैं थोड़े से एलिमिनेट होने के, क्योंकि जो जो डैमेज होता है वो एलिमिनेट होता चला जाता है। फिन बैलर भी आ गए हैं, फिन भी नहीं लिए यार, बहुत सुपरस्टार थे जिनको हम ले नहीं पाए। कोफी किंगस्टन, उन्हें रिप्लेस करना चाहिए थे, जैसे फिन बैरल इन सबकी जगह थोड़ा सा रिप्लेस कर देना चाहिए था बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब होगा। जॉन सीना भी आ चुके हैं, देखते देखते 7 सुपरस्टार्स ही रह गए हैं। बिग शो को एक उन्हीं का पावर बॉम्ब चिपका दिया है आते ही जॉन सीना ने। फिन बैरल
बहुत गंदे सीन चल रहे हैं यहाँ। बिग शो उठ नहीं रहे हैं मैट हार्डी में, अब बिग शो उठा के फेंक देंगे इन्हें। एक हेडबर्ड और उधर फिन बैरल की पिटाई लग रही है। जॉन सीना भी बॉबी लैशली को बाहर कर देते हैं, बट एक ड्रॉप किक। मैट हार्डी बदला लेना है अपने, जेफ हार्डी को बाहर किया है इसने। दो तीन फिनिशर और फिर एलिमिनेट कर दो इन्हें। ये बॉबी लैशली जॉन सीना का पिनफॉल करा रहे हैं, बट होगा नहीं यार, ये रॉयल रंबल है, थोड़ा तो देखो। फिन बैरल एलिमिनेट होते होते बचे। जॉन सीना की अभी फिनिशर आ रही थी और बिग शो की भी। क्रिस जेरिको बाहर होते होते बचे। एक ए आ सकता था पर जेरिको ने सारा खेल बिगाड़ दिया। फिनिशर, एक और फिनिशर मैट हार्डी की साइड से। ये क्या खेल रहे हैं, एक ए दे दी है मैट हार्डी को जॉन सीना ने। सेवन सुपरस्टार्स रिमेनिंग, एक और सुपरस्टार आने वाले हैं एडी गेरेरो। इनका तो फर्स्ट मैच के बाद कुछ चला ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट मैच में ये थर्ड पोजीशन से लास्ट गए थे, बट उसके बाद आते ही एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। इस बार भी लग रहा है इनका एलिमिनेशन जल्दी होगा। फिर जेरिको मैट हार्डी सब बच गए, एडी गेरेरो बच गए हैं। बिग शो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। ए आएगी क्या, ए नहीं दी। शॉन माइकल्स आ चुके हैं और स्वीट चिन म्यूजिक देखने को मिलेंगे। जेरिको ने रिवर्स किया इधर। जॉन सीना और मैट हार्डी फिर भिड़े। एडी गेरेरो यार बीच में क्यों आ रहे हो, फिर तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। रोग द रॉक आ चुके हैं फिफ्थ पोजिशन पे। एडी गेरेरो एक एक फिनिशर तो हो जाए एडी गेरेरो। जॉन सीना का ए आ रहा था बट उन्होंने दिया नहीं। बीच में जेरिको ने यार डिस्टर्बेंस कर दिया, प्रेशर लगती वरना। एडी गेरेरो पिनफॉल से नहीं होगा काम इसमें। जॉन सीना के ड्रॉप किक तो क्या कॉर्नर फिनिशर सब। एडी गेरेरो बच गए, जेरिको बाहर हो चुके हैं। एक और सुपरस्टार अब आएंगे रिंग में। जॉन सीना उठ जाओ, जॉन सीना रॉक यार मिल के सबको बाहर करो। एक और सुपरस्टार होना चाहिए अच्छा, मतलब हमारे पास तीन सुपरस्टार हैं, एक गोल्डबर्ग है, ड्रू मैकइंटायर और आरबीडी। ये तीन सुपरस्टार ऑलरेडी, आज हमें फोर्थ अपना सुपरस्टार मिलेगा जो कि खेलेगा फेटल फोर वे मैच किंग ऑफ द स्मैकडाउन पे। कॉर्नर क्या F5 लगेगा एडी गेरेरो को, लग गया है F5। ब्रॉक यार ब्रॉक चांस नहीं छोड़ते, और ये तो थे यार क्रेजी वाले। फुल टॉन्ट में थ्रो कर दो इन्हें, भारी फेंक दो यार, स्टंड हुए पड़े हैं, झूम रहे हैं। ब्रॉक को बाहर इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, बट लॉक लगा दिए, मे बी लॉक था जॉन सीना का। एडी गेरेरो को उठाया जॉन सीना ने और थ्रो करने की कोशिश, बाहर। एडी गेरेरो बाहर कर दिए हैं जॉन सीना ने। क्या ब्रॉक भी बाहर कर दिए हैं जॉन सीना ने। जॉन सीना वैसे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्या ये एंड में जीत पाएंगे। एक पावर बॉम्ब दिया कुछ, मैट हार्डी इनको थ्रो करेंगे जॉन सीना को। नहीं लॉक लगाया है, अगर बाहर करते अभी जॉन सीना बाहर हो सकते थे। बट्टिस्टा भी आ गए हैं और यहाँ रॉक ने अपना रिवर्स किया। बट्टिस्टा यार मैट हार्डी इन पांचों में से कोई भी अभी एलिमिनेट हो सकता है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा यार, गलत होगा कि इसको एलिमिनेट करो उसको एलिमिनेट करो। द रॉक एलिमिनेट हो गया, हाँ द रॉक एलिमिनेट कर दिए हैं बट्टिस्टा ने जॉन सीना को। ड्रू मैकइंटायर भी आ चुके हैं, एक और एलिमिनेशन हो गया। ड्रू मैकइंटायर अभी आए हैं, ये भी जीत सकते हैं बट एक सुपरस्टार है। स्वीट चिन म्यूजिक लगने वाला है मैट हार्डी को। गोल्डबर्ग, अगर यार ड्रू मैकइंटायर या गोल्डबर्ग में से कोई जीतता है तो हमें फिर मैच कराए या फिर ट्रिपल थ्रेट करना पड़ेगा, यही होगा। 2v2 है और ये जो दो सुपरस्टार हैं ये अभी आए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता यार। ये आपस में गुद के एक को फेंक दें बाहर, फिर मतलब एक बचेगा तो कैसे भी बाहर हो सकते हैं। लास्ट यहाँ जेफ हार्डी का सर फट चुका है, मतलब ये बहुत देर से टिके पड़े हैं।
उनका सर में से ब्लड निकल रहा है। अब ये ड्रू मैकेंटायर और ये गोल्डबर्ग लड़ क्यों नहीं रहे हैं यार आपस में? एक और एलिमिनेशन हो चुका है मैट हार्डी का। ये लॉक लगा दिया गोल्डबर्ग ने ड्रू मैकेंटायर में। ये लास्ट 3 सुपरस्टार्स हैं जो हमारे विनर्स बन सकते हैं अगर हमें ट्रिपल थ्रेट मैच कराना पड़ेगा, अगर शॉन माइकल्स नहीं जीते तो, क्योंकि ये 2 सुपरस्टार ऑलरेडी हैं। शॉन माइकल्स को लग चुका है एक स्पेयर। शॉन माइकल्स की बॉडी ऑरेंज नहीं हुई, कोई नहीं। गोल्डबर्ग और ड्रू मैकेंटायर यार आपस में एलिमिनेशन हो सकता था। ड्रू मैकेंटायर रुक गए यार, इन दोनों की कोई साजिश है, ये चाहते नहीं है शॉन माइकल्स जीते, क्योंकि अगर शॉन माइकल्स जीतेंगे तो फिर ऐसा होगा कि फोटल 4 पे मैच होगा, अदरवाइज ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। जहां तक लग रहा है ड्रू मैकेंटायर जीत सकते हैं। बिग बूट से बाहर कर सकते थे अभी गोल्डबर्ग को। स्विच इन म्यूजिक तो बनता है। ये मूव यार कितना उछले ड्रू मैकेंटायर, तो एक स्विच इन म्यूजिक के साथ ही बाहर चले जाते, मजे नहीं आ जाते। शॉन माइकल्स को लॉक लगा के कोई फायदा नहीं है। ड्रू मैकेंटायर भी यार बहुत पिट गए हैं वैसे तो, नंबर टू या वन पे आके रिवर्स किया। गोल्डबर्ग को बाहर थ्रो करो यार, ये शॉन माइकल्स बीच में थे। यहाँ कमबैक लग चुका है गोल्डबर्ग का, और ये ड्रू मैकेंटायर यार ये लोग मिलके पीट रहे हैं शॉन माइकल्स को, गलत बात है। मैं शॉन माइकल्स को इसलिए चाहता हूँ जीते, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो फिर ऐसा होगा गोल्डबर्ग और शॉन माइकल्स बच रहे हैं। शॉन माइकल्स कॉर्नर थ्रो से कुछ नहीं होगा, रिवर्स किया, अब बाहर हो सकते हैं शॉन माइकल्स। एक जैक हैमर थ्रो किया है बट बच गए, रिवर्स किया, अब गोल्डबर्ग को बाहर कर सकते हैं शॉन माइकल्स, बट नहीं बाहर तो नहीं फेंक देंगे, बच गए। बट ये खड़े की थे यार, फिर दोबारा कम बैक, फिर मार लगेगी गंदी वाली। यहाँ गोल्डबर्ग फुल फॉर्म में एक स्पेयर दे सकते हैं वैसे। रिवर्स जैक हैमर भी देखने को मिल जाए, मजे आ जाएंगे। चोक स्लैम नहीं, बॉम्ब है, पावर बॉम्ब जैसे बॉबी लैशली देते हैं, उस टाइप का पावर बॉम्ब है। बहुत पिटाई हो चुकी है शॉन माइकल्स की, ऑरेंज बॉडी हेड येलो। एक और स्पेयर आता हुआ लगेगा, लग गया स्पेयर, 2 स्मैक्स आ चुकी हैं और फुल फॉर्म में है गोल्डबर्ग। जहाँ तक लग रहा है तो अगर गोल्डबर्ग जीतते हैं, गोल्डबर्ग ने एलिमिनेट कर दिया, गोल्डबर्ग ने लगातार 2 रॉयल रंबल्स जीती हैं और इन्होंने पोर्टल 4 में मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया है। और इस उसकी भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, और देखते हैं कौन बनता है विनर, क्या गोल्डबर्ग बनते हैं विनर। और जब तक के लिए टाटा बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।